नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर एक नया चैप्टर के साथ में हाजिर हूँ और आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपने मेन चैप्टर पे आता हूँ, आप सबको कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। पीछे आपने सभी कालों यानी टेंसेज में क्रियाओं के रूप दोहराए हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों की रचना भी की है। क्या आप बतला सकते हैं कि सकारात्मक असर्टिव वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ा है? आपने सभी कालों में यानी टेंसों में टेंसेस सहायक क्रियाओं को वाक्य में सबसे पहले लाकर प्रश्नवाचक बनाए हैं। एक, अब आप ध्यान दीजिए कि नकारात्मक यानी निगेटिव वाक्य कैसे बनते हैं। वाक्य में डू, डिड, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैड, विल, वुड, शुड, शैल, कैन, कुड, मे, माइट आदि क्रियाओं के साथ नॉट जोड़ा जाता है, इससे नकारात्मक वाक्य बनते हैं। नंबर दो, लिखने में डू नॉट, डिड नॉट, वर नॉट, हैव नॉट, कैन नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, वुड नॉट आदि प्रायः ये रूप आते हैं, किंतु बोलने में अधिकतर संक्षिप्त रूपों का प्रयोग होता है जो क्रमशः इस प्रकार है: डोंट, डिडेंट, वरेंट, कांट, वोंट, शुडंट, वुडंट आदि। जैसे आजकल लिखने व बोलने में दोनों रूप प्रचलित हैं, डू नॉट की तरह पूरे और डोंट की तरह संक्षिप्त भी, आइए आप इनका अभ्यास करें। नकारात्मक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंसेस, आपको मैं बताने जा रहा हूं निगेटिव सेंटेंस के बारे में। मैं नहीं जानता, इसको आप कहेंगे आई डू नॉट नो। मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो। मैं कुछ नहीं पूछता, मैं कुछ नहीं पूछता, आई डोंट आस्क एनीथिंग, आई डोंट आस्क एनीथिंग। वो यहाँ नहीं आती, वो यहाँ नहीं आती, सी डज नॉट कम हियर, सी डज नॉट कम हियर। वो चाय बनाना नहीं जानती, सी डज नॉट नो हाउ टू मेक टी, सी डज नॉट नो हाउ टू मेक टी। कल उससे बस नहीं छूटी, कल उससे बस नहीं छूटी, ही डिड नॉट मिस द बस यस्टरडे, ही डिड नॉट मिस द बस यस्टरडे। हमने ये समाचार नहीं सुना है, हमने ये समाचार नहीं सुना है, वी हैवेंट हर्ड दिस न्यूज, वी हैवेंट हर्ड दिस न्यूज। आज ठंड नहीं है, आज ठंड नहीं है, इट्स नॉट कोल्ड टुडे, इट्स नॉट कोल्ड टुडे। आज ठंड नहीं है, वो स्त्री शादीशुदा नहीं है, वो स्त्री शादीशुदा नहीं है, she isn't married, वो शादीशुदा नहीं है, वो स्त्री शादीशुदा नहीं है। हम आज लेट नहीं है, we are not late today, हम आज लेट नहीं है। सॉरी, वो दिल्ली में नहीं थी, she wasn't in Delhi, वो दिल्ली में नहीं थी।
हमने लेक्चर नहीं सुना, हमने लेक्चर नहीं सुना, वी डिडेंट अटेंड द लेक्चर, हमने लेक्चर अटेंड नहीं किया या सुना नहीं, वी डिडेंट अटेंड द लेक्चर। उसके लड़का नहीं है, उसके लड़का नहीं है, सी डजंट हैव अ सन, सी डजंट हैव अ सन। मुझे चिट्ठी नहीं मिली, मुझे चिट्ठी नहीं मिली, आई डिडेंट गेट द लेटर, आई डिडेंट गेट द लेटर। उसके पास सवारी नहीं थी, उसके पास सवारी नहीं थी, उसके पास सवारी नहीं थी, दे डिडेंट हैव अ कन्वीनियंस, 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 उसके पास सवारी नहीं थी। घबराओ नहीं, पिताजी नाराज नहीं होंगे, घबराओ नहीं, पिताजी नाराज नहीं होंगे, डोंट वरी, फादर वोंट बी एंग्री, डोंट वरी, फादर वोंट बी एंग्री। पिताजी कल घर पर नहीं होंगे, पिताजी कल घर पर नहीं होंगे, फादर वोंट बी एट होम टुमारो, फादर वोंट बी एट होम टुमारो, पिताजी कल घर पर नहीं होंगे। हमें कल देरी नहीं होगी, हमें कल देरी नहीं होगी, वी शैल नॉट या वी शैंट बी लेट टुमारो या वी शैल नॉट बी लेट टुमारो। मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, आई कांट राइड अ मोटरसाइकिल, आई कांट राइड अ मोटरसाइकिल। आपको अपनी कार फुटपाथ पर नहीं चलानी चाहिए, आपको अपनी कार फुटपाथ पर नहीं चलानी चाहिए, यू मस्ट नॉट ड्राइव द कार ऑन द फुटपाथ, ऑन द फुटपाथ, यू मस्ट नॉट तुम्हें नहीं चाहिए ड्राइव करना, ड्राइव द कार, कार को ड्राइव करना ऑन द फुटपाथ। मैं परसों समय पर नहीं पहुंच सका, मैं परसों समय पर नहीं पहुंच सका, आई कुडंट रीच इन टाइम, समय पर, टाइम डे बिफोर यस्टरडे, बिफोर यस्टरडे को कहते हैं परसों, आई कुडंट रीच इन टाइम डे बिफोर यस्टरडे। आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, यू डिडंट गो देयर या यू नीड नॉट गो देयर, इसको नीडेंट कहते हैं, यू नीडेंट गो देयर। कोई समस्या नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। अब हमें अपनी दुकान बंद नहीं करनी चाहिए, अब हमें अपनी दुकान बंद नहीं करनी चाहिए ना, नाउ वी शुडंट क्लोज अवर शॉप, शुड वी, जहाँ कहा भी जा रहा है और उसके साथ में नकारा भी जा रहा है, तो वहाँ पे कहेंगे वी शुडंट क्लोज अवर शॉप, शुड वी, वहाँ नॉट आया, यहाँ नॉट नहीं आएगा, नाउ वी शुडंट क्लोज अवर शॉप, फिर शुड वी। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव कम निगेटिव सेंटेंसेस, इसमें दोनों हैं। अंग्रेजी में इट्स हॉट टुडे इजेंट इट, आज बड़ी गर्मी है ना, बड़ी गर्मी है ना, आज बड़ी गर्मी है ना। अथवा इट्स नॉट कोल्ड टुडे इज इट, तो पहले तो नॉट का इस्तेमाल आएगा, फिर ऐसा है ना, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अंग्रेजी में इट्स हॉट टुडे इजेंट इट, पहले तो कह रहा आज गर्मी है, फिर
ना, इट्स हॉट टुडे, इजेंट इट, इजेंट इट का मतलब है ना। अथवा दूसरा सेंटेंस देखिए, इट्स नॉट कोल्ड टुडे, पहले नॉट आ गया, फिर इज इट क्या है, क्या है, जब पहले नॉट आएगा तो दूसरी बार में नॉट नहीं आएगा। इट्स नॉट कोल्ड टुडे कॉमा इज इट, आज ठंड नहीं है ना। इस तरह के वाक्य बहुत प्रचलित हैं, इन्हें अंग्रेजी में टेल क्वेश्चन कहा जाता है। इनको क्या कहता है, टेल क्वेश्चंस कहा जाता है। ये वाक्य के अंत में छोटे से प्रश्न के रूप में रहते हैं। यदि वाक्य सकारात्मक होता है तो टेल क्वेश्चन नकारात्मक होता है। टेल क्वेश्चन माने आखिरी वाला क्वेश्चन, पहले वाला जो पार्ट है सकारात्मक है तो उसके जो आखिर वाला पार्ट होगा वो नकारात्मक होगा। अगर पहले पार्ट नकारात्मक है तो आखिरी वाला सकारात्मक होगा। जैसे इट्स हॉट टुडे, इट्स हॉट टुडे पहले सकारात्मक हो गया। दूसरा टेल क्वेश्चन क्या हो गया, इजेंट इट, इजेंट इट। और यदि वाक्य नकारात्मक होए तो टेल क्वेश्चन सकारात्मक होगा। जैसे इट इज नॉट कोल्ड टुडे, इट इज नॉट कोल्ड टुडे, इज इट। देखिए वाक्य के पहले भाग में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट पृथक या मिला दोनों चलते हैं, अलग अलग करेंगे या उसको मिला करके भी बोला जा सकता है। जैसे इज नॉट, इज नॉट को इजेंट, परंतु टेल क्वेश्चन में इजेंट आदि संक्षिप्त रूप में ही अधिक मान्य है। जब टेल क्वेश्चन आएगा मतलब बाद वाला क्वेश्चन आएगा उसको संक्षिप्त में लिखा जाएगा, संक्षिप्त में ही बोला जाएगा, वही प्रायः प्रयुक्त होते हैं। इसे आप, मैं आगे कुछ सेंटेंसेस के बारे में बताने वाला हूँ। आज बड़ी गर्मी है ना, इट इज वेरी हॉट टुडे, इजेंट इट। वे विदेशी हैं, है ना, दे आर फॉरेनर, दे आर फॉरेनर। अब इसको उल्टा कहेंगे, आरेंट दे, आरेंट दे, वे विदेशी हैं, है ना, दे आर फॉरेनर, आरेंट दे, यानी जानता भी है और प्रश्न भी पूछता है, ये बात है यहाँ पे। तुम खुश नहीं थे, है ना, यू वरेंट प्लीज्ड, वर यू। कल रविवार होगा, है ना, कल रविवार होगा, है ना, इट विल बी संडे टुमारो, वोंट बी, इट विल बी संडे टुमारो, वोंट बी। हम जल्दी तैयार हो जाएंगे, है ना, हम जल्दी तैयार हो जाएंगे, है ना, वी विल बी रेडी सून, वोंट बी। मैं कल, मैं ये है कभी नहीं भूल सकता, मैं ये कभी नहीं भूल सकता, आई कैन नेवर फॉरगेट इट, आई कैन नेवर फॉरगेट इट, कैन आई। कल मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, कल मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, है ना, आई वोंट बी विद यू टुमारो, आई वोंट बी विद यू टुमारो, विल आई। हम पहले मिल चुके हैं, है ना, वी हैव मेट बिफोर, हैवेंट वी, वी हैव मेट बिफोर, हैवेंट वी। तुमने अपना काम समाप्त कर लिया है, तुमने अपना काम समाप्त कर लिया था, है ना, यू हैड फिनिश्ड योर वर्क, हैडेंट यू, यू हैड फिनिश्ड योर वर्क, हैडेंट यू। तुम मेरे लिए पुस्तक नहीं ढूंढ सके, है ना, तुम मेरे लिए पुस्तक नहीं ढूंढ सके, है ना, यू कुडंट फाइंड द बुक फॉर मी, कुड यू। मीनाक्षी को देर से नहीं सोना चाहिए, है ना, मीनाक्षी को देर से नहीं सोना चाहिए, है ना, मीनाक्षी शुडंट गो टू बेड लेट, शुड शी,
शुड शी, मीनाक्षी शुडंट गो टू बेड लेट, शुड शी, अमिताभ को 12 बजे तक अवश्य प्रतीक्षा करनी चाहिए, है ना, अमिताभ मस्ट वेट टिल 12 o'clock, मस्ट नॉट ही, उसने अंग्रेजी नहीं सीखी, है ना, सी हैजेंट लर्नड इंग्लिश, हैज शी, महान व्यक्ति समय खराब नहीं करते, है ना, ग्रेट मैन डोंट वेस्ट देयर टाइम, डू दे, ग्रेट मैन डोंट वेस्ट देयर टाइम, डू दे, तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, है ना, यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, शुड यू, कितना सुहाना मौसम है ना, हाउ प्लीसेंट इट इज, इट इज, इजेंट इट, हाउ प्लीसेंट इट इज, फिर टेल क्वेश्चन होगा, इजेंट इट, तुम अपने को बहुत होशियार समझते हो, है ना, यू थिंक योर सेल्फ टू बी वेरी क्लेवर, डोंट यू, यू थिंक योर सेल्फ टू बी वेरी क्लेवर, डोंट यू, वो जल्दी ही यहाँ आ जाएगी, है ना, शी विल रीच हेयर सून, वोंट सी, शी विल रीच हेयर सून, वोंट सी, वो फिर घर से देर पहुंची, है ना, वो फिर से घर से देर पहुंची, है ना, सी रीच्ड होम लेट अगेन, डिडेंट सी, देखिए टेल क्वेश्चन में अगर पहले अफर्मेटिव है तो बाद में निगेटिव हो जाता है, ये एक बात समझ लीजिएगा, हम अपना बचपन कभी नहीं भूलते, है ना, वी नेवर फॉरगेट आवर चाइल्डहुड, डू वी, याद रखने वाली बात है, अंग्रेजी में कुछ संयुक्त शब्दों के संक्षिप्त रूप शॉर्ट फॉर्म बोलने में अत्यंत प्रचलित हैं, इन्हें बोलने व लिखने का अभ्यास करना चाहिए, जैसे डू नॉट उसको कहेंगे डोंट, डज नॉट को बोलेंगे डजंट, डिड नॉट को बोलेंगे डिडेंट, इज नॉट को बोलेंगे इजेंट, आर नॉट को बोलेंगे आरेंट, वाज और नॉट को बोलेंगे वाजेंट, वर नॉट को बोलेंगे वरेंट, हैज नॉट को बोलेंगे हैजेंट, हैव नॉट को बोलेंगे हैवेंट, हैड नॉट को बोलेंगे हैडेंट, विल नॉट को बोलेंगे वोंट, विल नॉट को बोलेंगे वोंट, शैल नॉट को बोलेंगे शैंट, कैन नॉट को बोलेंगे कांट, मस्ट नॉट को बोलेंगे मस्टंट, कुड नॉट को बोलेंगे कुडंट, नीड नॉट को बोलेंगे नीडंट, वुड नॉट को बोलेंगे वुडंट, शुड नॉट को बोलेंगे शुडंट, बी एन टी फॉर्म में एन पर लगे संकेत को अपोस्ट्रॉफी कामा कहते हैं, एन के बाद ओ नहीं लगाएंगे, अपोस्ट्रॉफी कामा लगाएंगे, और दूसरी बात, टेल क्वेश्चन वाले वाक्यों में ये विपरीतार्थी जोड़े काम आते हैं, इनको एक साथ स्मरण कर लो, आई डिड उसके साथ में डिडंट, डिडंट आई, पहले आई डिड है तो टेल क्वेश्चन में डिडंट आई आएगा, ही इज पहले लिखा है तो उसके बाद में टेल क्वेश्चन होगा इजेंट ही, वी आर अगर है लिखा पहले अफर्मेटिव तो टेल क्वेश्चन होगा आरेंट वी, ही वाज को वाजेंट ही, यू वर को बोलेंगे वरेंट यू, दे हैड को बोलेंगे हैडेंट दे, वी कैन है तो उसको टेल क्वेश्चन होगा कांट वी, यू विल उसका टेल क्वेश्चन होगा वोंट यू, आई शैल का टेल क्वेश्चन होगा शैंट आई, आई मस्ट का होगा मस्टंट आई, यू वुड का होगा वुडंट यू,
और शी कुड का होगा कुडंट शी, शी डज नॉट का होगा डज शी। टेल क्वेश्चन पहले पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट होगा टेल क्वेश्चन होगा, यू डू नॉट का होगा डू यू। अब इनका भी अभ्यास करिए, आई एम अगर लिखा है तो उसको मैं आई एम, आई एम, आई और अपास्ट्रॉफी कामा लगा के एम लिख दिए आई एम। वी आर है तो वी आर, वी फिर अपास्ट्रॉफी कामा आर ई, वी आर, वी आर। यू आर को बोलेंगे यू आर, यू लिखेंगे और फिर आर ई लिखेंगे, ए हट, ए हट जाएगा यहाँ से। दे आर को दे आर, दे आर, हमेशा ध्यान रखें जो वी आर है तो लिखें जब जाएंगे वी लिखेंगे कामा लगाएंगे और ए हटा, आर का ए हटा देंगे, बाकी आर ई लिख देंगे। तो यू आर को लिखेंगे यू और कामा आर ई, यू आर, यू आर, दे आर। ही इज को भी लिखेंगे ही इज, ही इज। सीज को लिखेंगे सीज, सीज, सी और कामा लगाएंगे एस लिखेंगे सीज। इसी प्रकार से आई हैव, यू हैव, शी या ही है इसके लिए आई, आई, यू का यू, सी का सीज, ही का हीज और वी हैव को और दे हैव के लिए वीब, वी अब, वी अब, वी अब, देव, देव, दे आदि का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से मैंने आपको टेल क्वेश्चन और निगेटिव वाक्यों वाले कुछ सेंटेंस बताए हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने समझ लिया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो दोबारा इसको सुने, तीन बार सुने, आपको ज़रूर समझ आएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे ज्ञान सब तक पहुंच सके। नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू।